A very good morning to all the students. Today we'll be studying math subject for class 1. We will be studying lesson number 1, and the name of the chapter is free number concept. So students, is lesson mein hum kya karne wale hain? Abhi tak jo aapka basic math ka knowledge hai, jo aapko idea hai, hum usi cheez ko thoda sa ek bar fir se memorize karenge. Hum apni senior KG ke class ko ek bar fir se hum refresh karenge. तो आओ सबसे पहले हम एक छोटी सी एक्सरसाइज, छोटे से क्वेश्चन आंसर से हम स्टार्ट करते हैं. जैसे आप इमेजिन करो स्टूडेंट्स कि अभी आप एक क्लास के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, और अभी आप क्लास के अंदर बैठे हो तो एक काम करो, आप सबसे पहले अपनी आई क्लोज करो और सोचो कि अब आप क्लास में हो. तो अब आप ऊपर देखो तो आपको क्लास में ऊपर क्या देखने को मिलता है. अब आप नीचे देखो तो आपको क्या दिख रहा है जब आप क्लास में नीचे देख रहे हो. तो फिर आप अपने क्लास में विंडो के बाहर देखो, और जब आप अपने क्लास के विंडो के बाहर देख रहे हो आप सोचो कि आपको अभी क्या दिख रहा है, ठीक है. चलो अब सब लोग अपनी अपनी आईज ओपन कर लो. अब हम कुछ क्वेश्चन रीड करेंगे तो वो आपको पढ़ना है, आपको उसका आंसर देना है. सबसे पहले What do you see outside the class? तो students, आप आपकी क्लास के बाहर जब देखते हो तो आपको क्या दिखता है? तो हमारे बच्चे, हमारे क्लास वन के स्टूडेंट जब अपनी क्लास के बाहर देखते हैं तो उनको देखने को मिलता है गार्डन. क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट्स? गार्डन. तो हमने लिखा है गार्डन. ओके, नेक्स्ट. What do you see inside the class? Inside का मतलब होता है क्लास के अंदर. तो स्टूडेंट्स, क्लास के अंदर आपको क्या दिखता है? Very good. किसी ने बोला कि मुझे लाइट दिखती है, तो आप यहाँ पे लाइट लिख सकते हो. फिर एक बच्चे ने बोला कि सर मुझे बोर्ड दिखता है, तो आप बोर्ड लिख सकते हो. एक बच्चे ने बोला कि सर मुझे डोर मतलब दरवाजा दिखता है, तो आप डोर लिख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट. हु इज सिटिंग बिहाइंड यू, मतलब आप जहां पे बैठते हो आपके पीछे कौन बैठता है? तो आपके पीछे जो भी बैठता है आपको उसका नाम लिखना है. जैसे सपोज मेरे पीछे क्लास में मेरा फ्रेंड बैठता है जिसका नाम है सुमन, तो मैंने लिखा सुमन, ठीक है. अगर आपके पीछे कोई बैठता है तो आपके उस फ्रेंड का नाम क्या है आपको वो लिखना है. ओके, नेक्स्ट. व्हेन यू लुक अप, आप जब ऊपर देखते हो तो व्हाट डू यू सी अबव योर हेड, आप जब ऊपर देखते हो तो आपको आपके सर के ऊपर क्या दिखता है? अब आप इमेजिन करो कि ये देखो, ये सब बच्चे जब ऊपर देखेंगे तो इन बच्चों को क्या दिखता है? ये दिख रहा है ऊपर. तो ये क्या है स्टूडेंट्स? नहीं दिखा आप लोग को, मैं और थोड़ा मोटा करता हूं. ये क्या है? यस, फैन. तो आपको यहां पे लिखना है फैन. ऑलराइट, नेक्स्ट. What is under your table? मतलब आपका जो बेंच है, आपका जो टेबल है, उसके नीचे एक डेस्क है ना, जहां पे आप आपका सामान रख सकते हो, तो वहां पे क्या है? तो वहां पे हम रखते हैं हमारा बैग. तो मेरे टेबल के नीचे मेरा बैग है. ओके, नेक्स्ट. Who is standing in front of you? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्पेलिंग फ्रंट है, फ्रंट का मतलब आपके सामने, तो ये सब जो बच्चे हैं इन बच्चों के सामने अभी कौन खड़ा है? यस, टीचर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे टीचर. ओके स्टूडेंट्स, तो आओ अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो कि है पेज नंबर 158. ओके, अब 158 पे क्या है स्टूडेंट्स?
देखो अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको सीखने रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है टीओपी टॉप, टॉप मतलब ऊपर, BOTTOM बॉटम, बॉटम मतलब नीचे। तो देखो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये लड़की कहाँ पे खड़ी है, बिल्डिंग के ऊपर मतलब बिल्डिंग के टॉप पे खड़ी है, ऊपर खड़ी है। और ये लड़का कहाँ खड़ा है, नीचे, नीचे मतलब बॉटम, ओके। तो आओ अब हम रीड करते हैं कि क्या लिखा है। द गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये जो वर्ड है टॉप, टॉप का मतलब होता है ऊपर। तो ये जो गर्ल है वो गर्ल बिल्डिंग के ऊपर खड़ी है, मतलब टॉप पे खड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट द बॉय, अब हम जिस बॉय की बात कर रहे हैं वो बॉय कहाँ पे खड़ा है, द बॉय इज स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये लड़का बिल्डिंग के नीचे खड़ा है, मतलब उसको बोलते हैं बॉटम, BOTTOM बॉटम, ओके स्टूडेंट्स। तो आओ अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर दी हुई है, ठीक है। अब देखो ये बर्ड है, यहाँ पे लिखा है टॉप मतलब ऊपर और फिर बॉटम, बॉटम मतलब नीचे। अब ये जो बर्ड है ये ट्री के टॉप पे है मतलब ऊपर है या ट्री के नीचे है, चलो बताओ मुझे। यस, ये ट्री के ऊपर है, ऊपर मतलब ये होगा आपका टॉप। तो आप यहाँ पे ऐसे टिक मार्क करोगे, ओके। नेक्स्ट अब आप नीचे देखो, ये जो ट्री है, ट्री के नीचे एक स्नेक है, कौन है, स्नेक। स्नेक स्टूडेंट्स बहुत ही डेंजरस होता है, अगर आप स्नेक के पास जाओगे तो स्नेक आपको काट सकता है, तो कभी भी स्नेक के पास मत जाना। अब स्नेक ट्री के ऊपर है या नीचे है, अगर ऊपर है तो आप टॉप के ऊपर टिक मार्क करोगे, अगर नीचे है तो आप बॉटम पे टिक मार्क करोगे। तो स्टूडेंट्स चलो बताओ स्नेक कहाँ पे है, यस वो ट्री के नीचे है मतलब बॉटम, वेरी गुड। आप सभी तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सबको अच्छे से सब कुछ याद है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, ऑन और फिर अंडर। अब ऑन का मतलब क्या होता है, ठीक है। द बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर, मतलब ये लड़का कहाँ पे बैठा है, ये लड़का बैठा है ऑन द चेयर, मतलब ये लड़का चेयर के ऊपर बैठा है। तो ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर, ओके। नेक्स्ट द डॉग इज सिटिंग अंडर द चेयर, मतलब ये डॉग कहाँ पे है, चेयर के नीचे। समझ आया स्टूडेंट्स, जैसे देखो अगर कोई, जैसे कुर्सी रखी है, चेयर रखी है, अगर कोई चेयर के ऊपर है तो आप बोलोगे ऑन, अगर कोई चेयर के नीचे है मतलब चेयर के अंदर है तो आप उसको बोलोगे अंडर, ठीक है बच्चों। तो आओ अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एक टेबल रखा है, क्या रखा है, टेबल। ये देखो मैं टेबल के आसपास रेड कलर की मैं ऐसे लाइन बना देता हूँ, ये देखो ऐसे, ये ऐसे है, फिर यहां से ऐसे और फिर ये ऐसे आपका टेबल है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो टेबल के ऊपर जो ऐसे गमला रखा है जिसके अंदर फ्लावर्स है, तो वो टेबल के ऊपर है
या टेबल के नीचे है? यस, वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है ना। तो ऊपर का मतलब होता है ऑन और नीचे का मतलब होता है अंडर। अब क्योंकि ये टेबल के ऊपर रखा है तो हम लोग ऑन पे राइट करेंगे, क्योंकि ऑन का मतलब होता है ऊपर। ओके, नेक्स्ट। अब यहां पे देखो, टेबल के नीचे शूज रखे हुए हैं। आप सभी को शूज दिख रहे हैं कि नहीं स्टूडेंट्स? में रेड कलर से देखो सर्कल कर दिया मैंने, अभी दिख रहा है सबको? वेरी गुड। अब ये जो शूज है, ये टेबल के ऊपर है या टेबल के नीचे? अगर टेबल के ऊपर है तो आप ऑन के ऊपर टिक मार्क करोगे, और अगर टेबल के नीचे है तो आप अंडर पे टिक मार्क करोगे। चलो मुझे बताओ। यस, ये शूज टेबल के नीचे है, मतलब अंडर द टेबल। अंडर द टेबल मतलब टेबल के नीचे। ओके, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू में आपको क्या करना है, आपको एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है? उसमें आपको कोई भी दो चीजें बिल्डिंग के टॉप पे बनाना है और कोई भी दो चीजें बिल्डिंग के बॉटम मतलब बिल्डिंग के नीचे बनानी है, ठीक है? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज फ्रंट मतलब आगे, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फ्रंट, फ्रंट का मतलब होता है आगे, और बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो आओ अब हम रीड करते हैं कि क्या लिखा है। यहां पे लिखा है द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, मतलब ये जो डॉग है वो घर के आगे है, घर के सामने है, ठीक है? तो फ्रंट का मतलब होता है आगे या तो आपके सामने, ठीक है? नेक्स्ट, द ट्री इज बिहाइंड द हाउस, मतलब ये जो ट्री है वो घर के पीछे है। तो पीछे का मतलब इंग्लिश में पीछे को बोलते हैं बिहाइंड। क्या बोलते हैं? बिहाइंड। तो देखो, ये घर के सामने कौन है? डॉग है, मतलब उसे कहते हैं फ्रंट, और ये घर के पीछे ट्री है, और पीछे को हम इंग्लिश में बोलते हैं बिहाइंड, ठीक है? अब आप ये पिक्चर देखो, ये ट्री है, ये एक कार है, और यहाँ पे एक आदमी है। अब ये ट्री कार के आगे है कि कार के पीछे है? यस, ये ट्री कार के पीछे है। तो पीछे का मतलब क्या होता है, फ्रंट या बिहाइंड? यस, पीछे का मतलब होता है बिहाइंड। तो हम यहाँ पे ऐसे टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट। अब ये देखो, ये एक आदमी खड़ा है। अब ये आदमी कार के सामने खड़ा है या कार के पीछे खड़ा है? कहाँ खड़ा है ये? अगर सामने है मतलब फ्रंट मतलब आगे खड़ा है, एक्सक्यूज मी, और अगर वो पीछे है मतलब वो बिहाइंड खड़ा है। तो हम इस आदमी को पूरा का पूरा देख सकते हैं। अगर हम इस आदमी को पूरा देख सकते हैं मतलब ये सामने खड़ा है, और सामने मतलब फ्रंट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो कि है आपका पेज नंबर 160। चलो So, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, वो है इनसाइड और आउटसाइड। अब
इनसाइड का मतलब होता है अंदर। जैसे कि ये पिक्चर आप देखो, ये यहाँ पे एक हाउस है, एक घर है, और ये गर्ल जो है ये घर के अंदर है, मतलब इनसाइड। तो अब हम रीड करते हैं क्या लिखा है। द गर्ल इज स्टैंडिंग इनसाइड द हाउस, मतलब ये गर्ल खड़ी है घर के अंदर। तो इनसाइड मतलब अंदर। ओके, नेक्स्ट, द बॉय, ये जो बॉय है इज स्टैंडिंग, मतलब ये खड़ा है। तो ये बॉय कहाँ पे खड़ा है, आउटसाइड द हाउस, मतलब घर के बाहर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो अब हम एक बार पहले फिर से रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले, इनसाइड का मतलब होता है अंदर और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। अब आप नीचे ये पिक्चर देखो, देखो ये पिक्चर आपको दिख रही है, देखो इसे हम हिंदी में कहते हैं मटर, हम सब मटर खाते हैं ना घर पे। ओके, तो ये मटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आप ढूंढ के रखना और जब स्कूल चालू होगी तब मैं आप लोग को ये पूछूंगा। ओके, नेक्स्ट, अभी ये जो मटर गोल गोल है वो उसका जो ऊपर का कवर आता है, जो छिलका आता है, उसके अंदर है ना। तो अगर कोई चीज अंदर है तो हम क्या बोलते हैं, इनसाइड, और अगर कोई चीज बाहर है तो हम क्या बोलते हैं, आउटसाइड। तो ये चीज अंदर है ना, तो हम लोग इनसाइड पे ऐसे टिक कर देंगे। अब देखो ये जो आपके मटर थे ये अब अंदर से बाहर आ गए। अगर कोई चीज बाहर है तो हम उसे क्या कहते हैं, यस आउटसाइड। तो अब यहाँ पे हम लोग आउटसाइड पे ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं, इनसाइड का मतलब अंदर और आउटसाइड का मतलब बाहर। ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट क्या है, पेज नंबर 160 पे अब हम उसको पढ़ते हैं और यहाँ पे हम हमारा आज का लेसन फिर स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट, अभी आपका कॉन्सेप्ट है बिफोर और आफ्टर। ठीक है, बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये पिक्चर में देखो बीच में कौन है, बीच में है हमारा जिराफ, है ना। अब जिराफ के पहले कौन है, लायन। तो जिराफ के जो पहले होता है उसे हम कहते हैं बिफोर, और जो जिराफ के बाद में है उसे हम कहते हैं आफ्टर। तो आओ अब हम रीड करते हैं कि क्या लिखा है। द एलिफेंट, मतलब ये जो एलिफेंट है, इज रनिंग, मतलब ये एलिफेंट दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है, आफ्टर द जिराफ, मतलब ये एलिफेंट जिराफ के पीछे भाग रहा है ना। तो हम बोलेंगे आफ्टर द जिराफ, मतलब जिराफ के बाद में एलिफेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, द लायन, मतलब ये जो लायन है इज रनिंग, ये भी दौड़ रहा है। कहां पे दौड़ रहा है, बिफोर द जिराफ, मतलब ये लायन जिराफ के पहले दौड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। जैसे हम जब कुछ, मम्मी हमको कुछ काम बोलती है ना कि बेटा ये काम कर दो, तो हम क्या बोलते हैं, मैं ये काम थोड़ी देर के बाद करूंगा, है ना। तो बाद का मतलब होता है थोड़ी देर के बाद, बाद मतलब आफ्टर सम टाइम। तो ऐसे ही ये जो एलिफेंट है ये आफ्टर द जिराफ है, मतलब जिराफ के बाद ये एलिफेंट है। ओके, तो आओ अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज बिफोर और आफ्टर को लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये पिक्चर में आप देखो एक बिटिया है, छोटी सी बच्ची है, ये उसकी मम्मी है और सबसे आगे उसके पापा हैं। ठीक है, अब पापा पहले हैं और बाद में
वो बच्ची है, ठीक है। अब देखो, फादर इज साइकिलिंग डैश मदर, मतलब पापा जो है वो मम्मी के पहले है कि मम्मी के बाद में है। यस, पापा तो मम्मी से आगे है ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे बिफोर। क्या लिखोगे? बिफोर। बिफोर मतलब पहले, ठीक है। नेक्स्ट, डॉटर, डॉटर मतलब बेटी। डॉटर इज साइकिलिंग, मतलब ये बेटी साइकिल चला रही है। डैश मदर, डैश मदर मतलब मम्मी के पहले चला रही है या मम्मी के बाद में चला रही है। यस, मम्मी के बाद में चला रही है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम आज की क्लास स्टॉप करेंगे और आगे का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।